हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी सोयाबीन और आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पाइसी सी है, चटपटी सी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो इसको बनाने के लिए दो बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हुए हैं। आलू को सिंपल इस तरीके से कट कर लिया है और मैंने इसको वॉश कर लिया था अच्छे से, और सोयाबीन को मैंने आधा घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था। तो मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर, जिसको फाइनली चॉप किया हुआ है, एक ही मैंने प्यूरी बना के रखी हुई है, दो हरी मिर्च ली हुई है और 2 टेबल स्पून इसमें हम दही ऐड करने वाले हैं। गाइस, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी, तो इसको हम कुकर में बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। 1/2 टीस्पून इसमें जीरा ऐड करेंगे और जीरे को होने देंगे। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आप इसको लाइक करते हैं तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही सब्ज़ी टेस्टी लगती है। तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देना, और मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया, जिससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा और कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस इसको कुछ देर के लिए, इस पर मसाले को हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो मसाले को बहुत ज़्यादा मत भूनना गाइस, तो हल्का सा ही कुछ देर के लिए मसाले को भूनना है। और इसके बाद इसमें कट किया हुआ टमाटो भी ऐड कर देंगे, और इसमें मैंने दही भी ऐड कर दिया। अगर आपके पास हल्का सा खट्टा दही है वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया कलर आया है। जिस टाइम इसमें आप दही को ऐड करें, उस टाइम इसको फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और इसको लगातार चलाते रहें। और चॉप किए हुए टमाटर भी इसमें ऐड कर देना, और थोड़ा सा भी इसमें ऑयल सेपरेट दिखने लगे तो तब तक इसको पकाना होगा। 1/2 कप इसमें पानी ऐड किया है और इसको भी मिक्स कर लेंगे। बस गाइस, आपको मसाला बहुत ज़्यादा ओवर नहीं भूनना है, बस हल्का सा मसाले को भून लें, और तभी इसको सब्ज़ी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। तो मैंने कट किया हुआ इसमें आलू ऐड कर देंगे, और आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के आलू इसमें ऐड किए हैं, और 1 कप मैंने सोयाबीन, जिनको मैंने आधा घंटे पहले ही पानी में सोख करके रख दिया था, तो इसको पानी में से हम अच्छे से यूज़ कर लेंगे। और 1-2 बार मैंने इसको वॉश भी किया है, तो वॉश करने के बाद ही इसको आप इसमें ऐड करें। और सोयाबीन और आलू की बड़ी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है सोयाबीन। तो सारी सोयाबीन को हम इस तरीके से पानी में से निकालते हुए इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और आप देख ही सकते हैं सब्ज़ी का कलर गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आया है। तो मैंने इसमें 4 कप पानी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा भी इसमें आपको पानी नहीं ऐड करना है, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो 1 टीस्पून से थोड़ा सा ही ज़्यादा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। कट किया हुआ हरी मिर्च भी आप इसमें ऐड कर देना, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और आप देख ही सकते हैं सब्जी गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तैयार हुई है। तो हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे 3 विसल लगा लेंगे, और 3 विसल में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से ये कुक हो जाएगी। तो 3 विसल लगा ले रहा इसमें, तो देख ही सकते हैं 3 विसल मैंने इसमें लगा ली है। और एक बार सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। वाओ, आप देख ही सकते हैं सब्ज़ी का कलर और टेस्ट, खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है गाइस इसमें। तो इसको मिक्स कर लेंगे और हल्का सा आलू को हम मैश कर लेंगे, जिससे ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसको मैं मैश कर लेती हूँ, और आप देख ही सकते हैं आलू को मैंने हल्का सा मैश कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसके लिए एक स्पेशल सा तड़का तैयार करेंगे गाइस, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने देसी घी ऐड किया है, 1 मैंने सूखा हुआ लाल मिर्च ऐड कर दिया है, 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर देना, और 1/4 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड किया है, 1/4 टीस्पून ही इसमें हींग जीरा ऐड किया है। और जीरे को अच्छे से क्रिस्पी होने देना, जब ये गोल्डन सा कलर दिखने लगे तब तक ही आपको इसको कुक करना है, फिर उसके बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देना। और ये तड़का सब्जी के ऊपर गाइस आप ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो डिश आउट कर लेते हैं सब्जी को, और आप इसे सब्जी को पराठे पूरी फुलके के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आप देख ही सकते हैं सब्जी खुशबू गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है इसमें। तो इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं।
तो सब्जी को मैंने डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर हम स्पेशल सा जो तड़का हमने बना कर रखा हुआ है उसको इसके ऊपर ऐड कर देंगे और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है ये। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर ये सिंपल सी सब्जी की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।